Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So, students, today we will do the revision number 4, revision of 4 chapters of Hindi, Medha, lesson number 13, 14, 15, and 16. We will do today only book work. Okay? We will revise it. Now, here, page number 84. Page number 84. ऑन पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 3 बताइए कि ये वाक्य किसने कहे. सो स्टूडेंट्स एज यू रेड द चैप्टर ऑलरेडी रेड द चैप्टर कि उसमें क्या क्या बताया गया क्या हुआ उसमें. तो ये दादाजी वाला वो चैप्टर है जिसके अंदर दादाजी ने हमें बताया था पेड़ों के बारे में हमें काफ़ी उनकी इम्पोर्टेंस बताई थी. उसमें से ही कुछ सेंटेंसेस इसमें निकाल के दिए जैसे फर्स्ट वन ये पेड़ हमारे सहायक होते हैं. अब ये वाक्य किसने कहे ये वाक्य कहे दादाजी ने. दादाजी ने हमें समझाया था कि पेड़ हमारे सहायक होते हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है दादाजी. नंबर 2 देखिए वह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था. दादाजी ने एक पेड़ को इंगित करते हुए कहा था संकेत करते हुए एक पेड़ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा था कि ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था. तो ये वाक्य भी किसने कहे थे ये वाक्य भी दादाजी ने ही कहे थे. द लास्ट वन इज़ आप तो बड़े परोपकारी हैं. ये वाक्य कहे थे दादाजी के पोते माधवन ने क्योंकि दादाजी जो काम कर रहे थे वो बहुत ही परोपकार का काम था दूसरों की भलाई का कार्य था. और इस बात से माधवन इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा कि दादाजी आप तो बड़े ही परोपकारी हैं. तो ये वाक्य किसने कहा था थर्ड वन माधवन ने. ओके नाउ स्टूडेंट्स सेम इन दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 85 हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कि नाम के बदले आने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए. यानी आपको यहाँ पे क्या करना है पूरे सेंटेंस को रीड करना है और इसमें जो ऐसे शब्दों को आपको ढूंढ के निकालना है ऐसे सर्वनाम शब्दों को ढूंढ के निकालना है जो नाम के बदले आए हैं क्योंकि नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे नंबर 1 देखिए आम का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था. तो आम का पेड़ मेरे मतलब मेरे यानी कि मेरा कोई नाम है तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है किसको मेरे. नंबर 2 देखिए वह दादाजी मान गए आपको. तो आपको कौन है यहाँ पर दादाजी और दादाजी को यहाँ पर किस तरीके किसे यहाँ पर बताया गया यहाँ पर आपको शब्द लगाकर दादाजी को बताया गया है. ठीक है तो संज्ञा के बदले कौन सा शब्द आया यहाँ पर आपको. नंबर 3 देखिए आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं. अब यहाँ पर किसी से पूछा जा रहा है कि आप कौन सा पेड़ लगा रहे हैं तो आप हैं दादाजी. तो यहाँ दादाजी के बदले में कौन सा शब्द आया है आप सर्वनाम आया. तो यहाँ पर किसको अंडरलाइन करना है यू हैव टू अंडरलाइन आप. नंबर 4 देखिए मैं दादाजी की बात स्कूल में बताऊंगी. मैं कौन हो गई मैं मेरा नाम है कुछ. ठीक है तो यहाँ पर मैं किसके लिए आया है नाम के बदले तो यहाँ पर आप मैं को अंडरलाइन करेंगे. नंबर 5 द लास्ट वन तुम आम खाओगे या नहीं. तो तुम कौन हो गया तुम जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि तुम आओ तुम आम खाओगे या नहीं तो तुम्हारा कुछ नाम होगा ना तो नाम के बदले यहाँ पर क्या आया है तुम आम खाओगे या नहीं तो आपको तुमको अंडरलाइन करना है. ओके नाउ पेज नंबर 86 टिक द करेक्ट वन. देखेंगे नंबर 1 क पेड़ से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है. तो पेड़ से मिलते जुलते वाला अर्थ वाला शब्द कौन सा है जामुन आम या वृक्ष. तो यहाँ पर आप वृक्ष को टिक करेंगे वृक्ष. ठीक है इनमें से संयुक्त अक्षर कौन सा है. संयुक्त अक्षर वाला शब्द तुम्हारे अंशिका और संकेत इनमें से संयुक्त अक्षर वाला शब्द है तुम्हारे. नंबर 3 वायु की विशेषता बताने वाला शब्द. वायु की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है गंदा मीठा या ठंडी. ठंडी विच वन ठंडी. तो यू हैव टू टिक द वर्ड ठंडी. नाउ हियर अगेन कम टू पेज नंबर 9090. विच पेज नंबर 9090 हेयर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है 90 पेज पर सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए. यानी आपको सेंटेंस के बाद 2 शब्द दिए गए हैं और आपको उसमें से जो करेक्ट वन है वो करेक्ट वन आपको उस फिलअप में भरना है ब्लैंक एरिया में फिल करना है. चुनमुन दादाजी की डैश पकड़े था. क्या पकड़ रखा था उसने उंगली. तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है उंगली. नन्हे पौधे का जन्म डैश की गोद में हुआ था. तो नन्हे पौधे का जन्म कहाँ हुआ था धरती की गोद में हुआ था.
यू हैव टू टेक धरती हियर, बीज से अंकुर फूटने लगे, तो यहाँ पर अंकुर आएगा। बीज से क्या फूटता है बेटा, अंकुर ही फूटते हैं ना, अंकुर फूटने लगे। लोग पेड़ की डैश में आराम करते हैं, लोग पेड़ की छांव में आराम करते हैं, तो यू हैव टू टेक छांव। द लास्ट वन इज ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो जीवित, जीवित मतलब जिंदा, हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। नाउ हियर कम टू पेज नंबर 91 एंड ऑन पेज नंबर 91 देयर इज अ मैचअप्स आर देयर। क्या है यहाँ पर, मैचअप्स हैं। तो यहाँ पर हमें पुरुष जाति वाले को स्त्री जाति के साथ मैच करना है, ये शब्द है। जैसे दादा, दादा को दादा मैचअप टू दादी, दादा मैचअप टू दादी। लड़का लड़की, माली मालिन, आदमी औरत, बच्चा बच्ची। नाउ अगेन देखेंगे, दादा दादी, लड़का लड़की, माली मालिन, आदमी औरत, बच्चा बच्ची। नाउ अगेन हियर ऑन पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 में देखिए टिक द करेक्ट वन। टिक द करेक्ट वन में नंबर वन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, जी हाँ इसमें यही सही वाक्य है। ठीक है, देखो सेकंड को पढ़ो कैसा है, कुछ बच्चे शरारती होती है, ये रॉन्ग है। कुछ बच्चे शरारती होता है, ये भी रॉन्ग है। तो सही कौन सा है, नंबर वन है कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं। अनेक, अनेक का बोध कराने वाले शब्द कौन से हैं इसमें, देखो पत्ता पत्ती पत्ते, पत्ते पत्ते शब्दों से, तो पत्ते को आपको टिक करना है। दोस्ती के उल्टे अर्थ वाला शब्द है दुश्मनी, ठीक है, दोस्ती के उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या है, दुश्मनी। ओके, यू हैव टू टिक हियर दुश्मनी। नाउ कम टू पेज नंबर 97, इन पेज नंबर 97 हेयर सम करेक्ट एंड रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, ठीक है, सही या गलत हमें बताना है। ठीक है, शहर के बीचों बीच राजकुमार की प्रतिमा लगी थी। अब आपने लेसन पढ़ा था, आपको पता है कि शहर के बीचों बीच किसकी प्रतिमा लगी थी, राजकुमार की प्रतिमा लगी थी। चिड़िया प्रतिमा पर जा बैठी, जी हाँ ये करेक्ट वाक्य है कि चिड़िया प्रतिमा पर ही जाकर बैठी थी। राजमहल में राजा बीमार था। अब आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेसन कि राजमहल में राजा बीमार नहीं था, बल्कि कौन बीमार था, वहाँ पर जो सेवक रहते थे उन सेवक का पुत्र बीमार था। तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, द थर्ड वन इज रॉन्ग। चिड़िया ने सभी घरों में हीरे डाल दिए, चिड़िया ने सभी घरों में हीरे डाल दिए, ये भी बात गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेसन चिड़िया ने केवल उस सेवक के पुत्र के घर में हीरे डाले थे जो कि बीमार था। चिड़िया मूर्ति पर गिरकर मर गई, यस दिस वन इज द करेक्ट वन, कि चिड़िया मूर्ति पर गिरकर मर गई, लास्ट में चिड़िया मूर्ति पर गिरकर मर गई थी। ओके, ये आपको बेटा पेज नंबर 98, इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको कुछ संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, छोटे छोटे आपको दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं इसमें, उनसे मिलाकर आपको कुछ शब्द लिखने हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको अच्छे से। जैसे प्र दे रखा है, तो प्र से आपको इस लेसन में क्या दिया गया है, प्रतिमा। द द, तो द द से क्या बनता है, भद्दी। च, छोटा च बड़ा च, बच्चा। म और ह, तुम्हारे। स्त, सुस्त। व्य, व्याकुल। ज, राज्य। त्र, मूर्ति। तो ये कुछ इस तरह के शब्द हैं जो आपकी इसी बुक में दिए गए, इसी लेसन में हैं, उनमें से आपको ढूंढने हैं। अब यहाँ पर एक और आता है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान संज्ञा विशेषण या क्रिया के रूप में करनी है, पेज नंबर 98 पर। तो इसके अंदर क्या है बेटा, हमें कुछ शब्द अंडरलाइन करके दिए हुए, हमें बताना है कि वो शब्द क्या हैं, वेदर दे आर नाउन एडजेक्टिव और वर्ब, या संज्ञा विशेषण या क्रिया क्या है। आसमान से एक देवदूत आया, आसमान क्या हो गया बेटा, आसमान नाम है, तो संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। उसकी माँ बहुत गरीब है, तो गरीब क्या हो गया बेटा, विशेषण, क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में बताया गया, उसकी विशेषता बता दी भाई एक तरीके से कि वो गरीब है, विशेषण। लड़का शैतान था, ये भी विशेषण है, क्योंकि लड़का कैसा था, शैतान था। चिड़िया थककर मूर्ति पर आ गिरी, ये संज्ञा है, क्योंकि चिड़िया, चिड़िया क्या है, संज्ञा। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई, मुस्कुराई यानी हंसी, तो वो क्या हो गया, क्रिया।
मैं यहाँ का राजकुमार था, तो राजकुमार कौन हो गया? संज्ञा। कौन हो गया? संज्ञा। ठीक है, इसी के नीचे देखिए टिक द करेक्ट वन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? प्रतिमा, बीमार या देवदूत? इसमें से विशेषण शब्द है बीमार। ठीक है, नाउ आगे।